हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने वाला हूं कि केदारनाथ यात्रा के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या मेडिसिन होनी चाहिए, ट्रैकिंग के टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपकी पैकिंग से रिलेटेड फुल डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की। डॉक्यूमेंटेशन में आपको इस बार लेके जाना है ई पास, बारकोड वाला जो ई पास है वो आपको लेके जाना है। अगर आपको नहीं पता कि बारकोड वाला ई पास कैसे बनाते हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, पूरा प्रोसेस बताया कैसे बनाना है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको लेके जाना है गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई भी आईडी, आप आधार कार्ड ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड नंबर पे लेके जाना अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं पैकिंग से रिलेटेड। पैकिंग में आपके पास दो बैग होने चाहिए, एक बड़ा बैग एक छोटा बैग। छोटा बैग आपको ट्रैकिंग के टाइम पे यूज करना है। इसमें क्या क्या सामान आपको रखना है उसके लिए नीचे टाइम आ रहा होगा, आप डायरेक्ट स्किप करके वहां पे जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको रखना है एक बड़ा बैग। बड़े बैग में आपका सारा सामान रहेगा, आप जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वहां से लेकर के केदारनाथ यात्रा तक के लिए आपका पूरा का पूरा सामान मैं इसमें बताने वाला हूं। मई से लेकर अक्टूबर तक आप कभी भी यात्रा करें ये सामान आपको लेके ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप की। सो कैप आपको लेके आनी है एक बुलन, क्योंकि वहां पे क्या केदारनाथ में अभी भी कुछ दिन पहले भी स्नोफॉल हुआ है, बारिश भी हो रही है। सो एक विंटर कैप आपके पास होना चाहिए। नॉर्मल एक स्टाइलिश कैप भी आप ले सकते हैं अपने पास, बेटर रहेगा। सेकंड नंबर पे एक पेयर आप वुडलन हैंड ग्लव्स ले जा सकते हैं, जो विंटर्स के लिए होंगे, क्योंकि जब केदारनाथ में आप ऊपर ट्रैकिंग करेंगे या जब आप रात में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे वहां पे रहेंगे, तब नाइट में भी आपको वुडलन हैंड ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी। थर्ड नंबर पे आप अपने साथ कुछ टी शर्ट और शर्ट भी ले जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने दिनों की यात्रा पे जा रहे हैं और कौन कौन से धाम आपको करने। अगर सिर्फ केदारनाथ के लिए जा रहे हैं तो आप दो तीन शर्ट या टी शर्ट ले जा सकते हैं, बट आप बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारी जगह पे अगर आपको जाना है तो आपके पास थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में शर्ट टी शर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल्स के बारे में। अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो आपको टॉप के लिए थर्मल होना चाहिए, बॉटम के लिए नहीं भी ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास टॉप प्लस बॉटम दोनों के लिए थर्मल्स होने चाहिए, क्योंकि जब जैसे जैसे आप ट्रैक करके ऊपर जाते जाएंगे वहां पे वैसे ही ठंड, और ठंड से ज्यादा जो वहां पे ठंडी हवाएं चलती है, अगर स्नोफॉल भी हो रहा है ना उस कंडीशन में भी ठंडी हवाएं इतनी तेज चलती कि आपको ये चीजें चाहिए ही होंगी। अब बात करते हैं पैंट्स के बारे में। सो आपको अपने साथ एक ट्रैक पैंट, और अगर आपके पास ट्रैक पैंट नहीं है तो आप लोअर ले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के टाइम पे आप जीन्स पहन के तो ट्रैकिंग नहीं करें, वही रिकमेंडेड रहेगा, क्योंकि अगर आप जीन्स पहन के ट्रैकिंग करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप अपने साथ एक दो पेयर जीन्स के ले जा सकते हैं, एक दो लूज लोअर्स भी ले जा सकते हैं। सो बेटर ये रहेगा अपने नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपने नंबर ऑफ जीन्स पैंट ट्राउजर जो भी आपको ले जाना है वो ले जा सकते हैं, बट एक लोअर या ट्रैक पैंट जरूर लेके जाएं। अब बात करते हैं सॉक्स की। सो सॉक्स में आप नॉर्मल सॉक्स भी ले जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा विंटर्स में जा रहे हैं, अक्टूबर में, अक्टूबर के लास्ट वीक में जा रहे हैं, तब आपको वार्म सॉक्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप नॉर्मल सॉक्स ले जा सकते हैं, बट क्वांटिटी ऑफ सॉक्स थोड़ी ज़्यादा लेके जाएं। नॉर्मल कहीं से भी आप आएंगे तो उस समय तो आपको बहुत ज़्यादा सॉक्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप जब ट्रैकिंग करेंगे उस समय अगर सपोज कोई वाटरफॉल पड़ता है और वहां से निकलेंगे, अगर आपके शूज और सॉक्स गीले हो जाते हैं उस कंडीशन में आपको सॉक्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। सो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं शूज के बारे में। शूज में आप अपनी नीड के हिसाब से, अपने डेज के हिसाब से अपने शूज ले जा सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रैकिंग के टाइम पे आपके पास अगर ट्रैकिंग शूज नहीं भी हैं तो आपको स्पोर्ट्स शूज लेके जाना, क्योंकि नॉर्मल शूज में आप चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उस समय आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा चलने के बाद ही आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो बेटर ये रहेगा कि आप अपने साथ नॉर्मल कोई भी स्पोर्ट्स शूज लेके जा सकते हैं, जिससे कि आप ट्रैकिंग कर पाएंगे। और आपको लेके जानी अपने साथ एक स्लीपर, एक पेयर स्लीपर इसलिए चाहिए होगा क्योंकि होटल्स में इधर उधर कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं तो हर समय आप शूज नहीं पहन सकते। सो बेटर ये रहेगा कि एक पेयर स्लीपर आपके पास होनी चाहिए। इन कपड़ों के साथ में आपके पास होना चाहिए एक अम्ब्रेला एंड रेनकोट। रेनकोट होना बहुत जरूरी है, और साथ में अम्ब्रेला रहेगा तो एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आजकल तो बहुत छोटे छोटे अम्ब्रेला भी आने लगे हैं कि जिसको आप फोल्ड करके हाथ में कैरी कर सकते हैं, या जो आपके पास ट्रैकिंग बैग रहेगा उसमें भी डाल सकते हैं, बट ये दोनों चीजें आपके पास होनी मैंडेटरी है, क्योंकि केदारनाथ में आप वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समर्स में भी वहां पे अच्छी खासी बरसात हो जाती है, तो इसके लिए आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपके नॉर्मल पैकिंग। नॉर्मल पैकिंग में आपको अपने साथ एक जैकेट जरूर लेके जानी है, चाहे आप समर्स में जाएं, चाहे रेनी सीजन में जाएं, कभी भी जाएं, आपको अपने पास एक जैकेट होनी चाहिए। अगर आप विंटर्स में जाते हैं तो आपके पास विंटर क्लॉथ थोड़े ज्यादा होने चाहिए, वो बेटर रहेगा। सो बड़े बैग में आपको क्या लेके जाना ये तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं ट्रैकिंग बैग की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बड़े बैग को लेके ट्रैक नहीं कर सकते हैं, सो बेटर ये रहेगा कि आप एक छोटा ट्रैकिंग बैग लेके जाएं। आप अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ कैसे भी जा रहे हैं, बट ये बैग एक होना चाहिए, और फैमिली में अगर ज्यादा मेंबर्स हैं तो उनकी नीड के हिसाब से होना चाहिए।
इसमें क्या क्या रखना है ये मैं आपको अब बताता हूँ। सो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए एक टॉर्च, क्योंकि नाइट में अगर आप कभी भी थोड़ा बहुत लेट भी होते हैं तो वो टॉर्च आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड नंबर पर आपके इस ट्रैकिंग बैग में होनी चाहिए पावर बैंक, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो उस समय आप फोटोज और रील्स बनाने के चक्कर में हो सकता है आपकी बैटरी डेड हो जाए, या जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां पे भी लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके पास एक अच्छा पावर बैंक होना चाहिए जिससे कि आप अपने मोबाइल या अदर गैजेट्स को चार्ज कर सकें। थर्ड नंबर पे आपके पास होनी चाहिए मेडिसिन। मेडिसिन में आप अपने साथ फीवर की मेडिसिन, कुछ पेन किलर्स भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए बोलिनी या मूव टाइप का कुछ स्प्रे, क्योंकि जब आप चढ़ते हुए किसी तरह का कोई क्रैम्प आ जाए या फिर किसी भी तरह का पेन होता है तो आप इनको यूज कर पाएंगे। इसके बाद एक आपके पास होनी चाहिए वाटर बॉटल। आपके पास अगर हाइड्रेंट बैग है तो वो भी ले जा सकते हैं, बट अगर हाइड्रेंट बैग नहीं भी है तो आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। वाटर बॉटल के केस में आपको प्रेफरेंस देनी हॉट एंड कोल्ड टाइप की वाटर बॉटल होनी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यू होता है तो गर्म पानी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, वो उस बॉटल में भर के आप एक लॉन्ग टाइम के लिए उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद आप ही अपने इस ट्रैकिंग बैग में लेके जाएंगे मोबाइल चार्जर्स एंड केबल्स, क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे उस समय अगर आपको कहीं पे भी स्पेस मिल जाता है तो आप चार्जर लगा के वहां पर चार्ज कर सकते हैं। और अगर नहीं भी मिलता है तो ट्रैकिंग के टाइम पे आप अपनी पावर बैंक से डाटा केबल के थ्रू भी अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो आपके इस बैग में चार्जर प्लस डाटा केबल दोनों ही होनी चाहिए। इस बैग में आप अपने क्लॉथ ले जा सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, जैसे ऊपर जा रहे हैं तो एक या दो टी शर्ट डाल सकते हैं, एक पैंट डाल सकते हैं, इस तरह की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने इसमें क्लॉथ डाल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैकिंग ट्रिप्स के बारे में। जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको ये ट्रैकिंग टिप्स जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो सबसे पहले है कि स्लो चलें, क्योंकि जब भी हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही अगर आप फास्ट चल जाएंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। सो बेटर रहेगा स्लो स्लो चलें, नेचर को एंजॉय करते हुए फोटो खिंचाते हुए रील्स बनाते हुए जाएं, नेचुरल ब्यूटी को अच्छे से एंजॉय करें और स्लोली ही जाएं। सेकंड नंबर पे आपको अपने साथ बैग में बहुत ज्यादा सामान लेके नहीं जाना, क्योंकि ये एक लंबा सफर रहता है, इसमें आपके पास जितना ज्यादा सामान रहेगा उतने जल्दी थकेंगे। बट जो भी जरूरी सामान मैंने आपको ट्रैकिंग बैग के बारे में बताया वो जरूर लेके जाएं, क्योंकि वो सारा ही मैंडेटरी है। थर्ड नंबर पे आप लिक्विड लेते रहें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी या जूस कुछ भी अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो पीते रहें, क्योंकि लिक्विड नहीं लेंगे तो जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे सरदर्द होने लगेगा डिहाइड्रेशन की वजह से, और फिर वहां पे आप अच्छे से दर्शन और एंजॉय करने के बजाय आप परेशान हो जाएंगे। सो बेटर रहेगा कि लिक्विड में आप जूस और वाटर कंटिन्यू लेते रहें। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं, अगर आप केदारनाथ ट्रैक करना चाहते हैं तो घर पे भी दो चार दिन पहले से थोड़ी वॉक की प्रैक्टिस करने लगें, क्योंकि अगर आपको वॉक की प्रैक्टिस होगी सो आपको वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अचानक से जाके पूरा ट्रैक करेंगे तो आपको नो डाउट थोड़ा बहुत बॉडी में पेन तो होगा ही होगा। सो अपनी तरफ से मैंने आपको पैकिंग से रिलेटेड, ट्रैकिंग बैग में क्या क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके नोन में कोई और जाना चाहता है उसके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भोलेनाथ।